नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल लॉग्स में। पिछली वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जॉर्ज एवरेस्ट माउंटेन पीक की, अगर आपने नहीं देखी आई बटन पर लिंक आ जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। और इस वाली वीडियो में मैं निकल चुका हूं क्लाउड एंड जाने के लिए, और जिस रोड पर भी मैं खड़ा हूं ये रोड जाती है क्लाउड एंड तक, और एक टेम्पल की और रोड जाती है भद्राज टेम्पल। तो दोनों तरफ एक ही रोड जाती है, पहले पड़ता है क्लाउड एंड और उसके बाद पड़ता है भद्राज टेम्पल। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, अगर क्लाउड एंड रास्ते में ही पड़ा तो पहले वो दिखाऊंगा, अगर भद्राज का प्लान बना तो भद्राज टेम्पल चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। ये सामने वाली रोड आ रही है ना, ये आ रही है जॉर्ज एवरेस्ट से, और इधर आप देख रहे हो कि क्लाउड एंड म्यूजियम लिखा हुआ है। टाइमिंग 9 से सनसेट तक है, 3 किलोमीटर 10 मिनट की ड्राइव है, और यही सेम रोड आगे भद्राज टेम्पल के लिए भी जाती है। रोड देख रहे होंगे, रोड बनी हुई है, सीमेंटेड है, आगे एक और बोलेरो जा रहा है भाई, और सामान ले रखा है उसने, और हाई इंक्लाइन है भाई, इसको जो चढ़ाई ऊपर है इसकी काफ़ी ऊपर चढ़ाई है। और खाने पीने के लिए आपको यहाँ पे फूड कॉर्नर वगैरह मिल जाएंगे। तो भाई इधर लिखा हुआ है क्लाउड एंड के लिए राइट, और कुआँ जो है वो भाई सीधे जाके है, तो क्लाउड एंड के लिए भाई हमको राइट जाना है। इधर से लिया जाएगा भाई राइट, तो आ गया क्लाउड एंड का। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ स्टेट है ये, और रोड देख लो भाई साहब, बहुत ही टूटी हुई रोड है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही है यहाँ पे। भाई सामने आप देख रहे होंगे ये है क्लाउड एंड, और लिखा भी हुआ है, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सनसेट व्यू पॉइंट है, ज्वाला देवी टेम्पल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एंट्री फीस है 200 रुपीज़ पर पर्सन, और भाई बारिश हो गई है, अंदर जाने का कोई लॉजिक मुझे बनता नहीं दिखता। तो भाई पिछले वाले शॉट में आपने देख लिया होगा क्लाउड एंड मैंने आपको बाहर से दिखाया था, ठीक है, अंदर जाने के चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए क्या हैं। मैं अंदर नहीं गया क्योंकि भाई बारिश हो रही थी, कोई फ़ायदा नहीं था अंदर जाने का, कुछ देखने को नहीं मिलता, पूरा थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है तो मैं पूरा भीग जाता, ठीक है। और उसी के आगे एक रास्ता और जाता है, जो आता है भद्राज टेम्पल के लिए। भद्राज टेम्पल के लिए भी भाई ऐसा ही ऑफ रोडिंग रास्ता है पूरा, तो जो वहाँ पर बैठे हुए थे सज्जन उनसे पूछा था मैंने, उन्होंने बोला था कि भाई भद्राज टेम्पल अगर आप जा रहे हो तो जो रास्ता है ना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी बारिश हो चुकी है, कीचड़ वाला रास्ता है भाई, तो अपनी गाड़ी हो सकता है वहाँ पे फंस जाए, गड्ढे भी हो सकते हैं वहाँ पे, तो इसलिए भाई भद्राज टेम्पल का भी प्लान कैंसिल कर दिया है। अभी जा रहे हैं वापस मसूरी की ओर, रात को मसूरी में रुकेंगे, कल अगर बारिश नहीं हुई तो फिर एक बार ट्राई करेंगे भद्राज टेम्पल जाने के लिए, फिर आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे भद्राज टेम्पल का पूरा व्यू दूंगा अगर कल मैं जा सका तो। भाई ये जो है जी दिवाकर अग्रवाल की प्राइवेट प्रॉपर्टी, और सामने आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जूम करके मैं दिखाता हूँ हल्का सा, वेलकम टू मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रास्ता यहीं से जाता है। अभी तो खैर बैरियर लगा रखा है, मे बी शायद बंद हो या कोई और कारण हो सकता है। भाई यहाँ पे क्लाउड एंड जाते हुए और भद्राज टेम्पल जाते हुए ये सामने पड़ता है ज्वाला मंदिर टेम्पल, और बिनोक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित ज्वाला जी मंदिर का निर्माण सदियों पहले किया गया था, और इस धार्मिक स्थान पर सदियों पुरानी हिंदू देवी भगवती दुर्गा की प्राचीन मूर्ति स्थापित करी गई थी। और भाई 65 लिखा हुआ है, 65 तो कुछ हो नहीं सकता भाई, 65 जुलाई 1971, तो जुलाई 5 जुलाई 1971 को ना यहाँ पे 8 ज्योतें अलग अलग धार्मिक स्थानों से लाई थी, जिसमें श्री ज्वाला जी देवी को ज्योत हिमाचल प्रदेश से लाकर पदयात्रा द्वारा यह ज्योत बिनियोग हिल पर 5 जुलाई 1971 को भूमि पूजन करवाने के बाद स्थापित करी गई थी, ठीक है। बाकी आपको डिटेल पढ़नी है भाई वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना। और यहाँ पे भाई कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। नियरेस्ट प्लेस टू विजिट है जॉर्ज एवरेस्ट 6 किलोमीटर, कंपनी गार्डन 10 किलोमीटर, गन हिल भाई यहाँ से
में पड़ जाता है 13 किलोमीटर और सुरकंडा देवी टेम्पल 66 किलोमीटर। वही रास्ते में देखो बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल ही बादल, हर जगह बादल भाई, हर जगह बादल। भाई एक और गाड़ी आ रही है सामने से, हेडलाइट जलाती हुई आ रही है भाई, बहुत ही कम नजर आ रही है, बादल इतने डेंस हो गए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। और रोड की कंडीशन तो भाई ऐसी है ही, गड्ढे हैं, स्लिपरी है, बारिश हुई है यहाँ पे। तो वेलकम टू मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जस्ट 1 किलोमीटर अहेड, ये रास्ता जो जाता है ये मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाता है। भाई अभी मैंने आपको यहाँ पे बादल दिखाए थे, रफू चक्कर हो गए भाई, भाई आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बादल ही बादल आ गए। भाई टाइम हो रहा है 3:48 और बाहर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब रात हो गई है, बारिश हो रही है झमाझम बारिश बहुत तेज, और बादल बारिश कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, और भाई फोन भी फोकस नहीं कर पा रहा है। ये देखो बारिश ही बारिश हो जा रही है भाई, ये देखो तेज बारिश हो रही है। भाई झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, देख रहे हो आवाज सुनो। हमने ट्रक खड़ा हुआ था, ये दिख नहीं रहा था बहुत देर तक, बहुत नजदीक आए तब जाके दिखाई दिया है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अगर वीडियो आपने यहां तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।